नमस्ते, मैं डॉक्टर अनीशा गुप्ता हूँ। मैं एक आई स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे दो बहुत आंख की प्रोमिनेंट तकलीफों के बारे में, काला मोतियाबिंद और सफेद मोतियाबिंद। क्या ये सेम होते हैं या अलग होते हैं? इलाज फर्क है नहीं है? इन दोनों में से ज्यादा खतरनाक कौन सा होता है और किससे किसका क्या कनेक्शन है? सबसे पहले नाम, सफेद मोतियाबिंद, काला मोतियाबिंद। सफेद मोतियाबिंद होता है कैटराक्ट और काला मोतियाबिंद होता है ग्लॉकोमा। दूसरा कारण, सफेद मोतियाबिंद होता है आंख में जो भगवान ने हमें लेंस दिया हुआ है, एक लेंस होता है आंख के अंदर, उसमें सफेदी बनने को सफेद मोतियाबिंद कहते हैं। ये एक एजिंग चेंज होता है और मोस्टली सबको ही आता है उम्र के साथ साथ, किसी को किसी एज में, किसी को किसी एज में। काला मोतियाबिंद या ग्लॉकोमा होता है आंख का प्रेशर बढ़ना। आंख का एक स्पेसिफिक प्रेशर होता है, नॉर्मली ये रेंज हम 10-21 मानते हैं, पर हर आंख का अपना अपना एक नॉर्मल रेंज होता है। किसी भी कारण से जब वो प्रेशर बढ़ जाता है तो वो आंख की नस को नुकसान करता है। इस तकलीफ को ही हम काला मोतियाबिंद या ग्लॉकोमा कहते हैं। सिम्टम्स में सफेद मोतियाबिंद में सिंपल सा सिम्टम होता है, आंख में दिखाई देना कम हो जाता है, रोशनी कम हो जाती है, शुरू में नंबर बढ़ने लग जाता है माइनस का, और धुंधलापन आने लग जाता है, पीलापन दिखने लग जाता है, रात के समय नाइट ड्राइविंग बिकम्स डिफिकल्ट, रोशनी ज्यादा चुभने लग जाती है। ये सब कॉमन सिम्टम्स होते हैं सफेद मोतियाबिंद या कैटरेक्ट के। काला मोतियाबिंद अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा सिम्टम्स नहीं प्रोड्यूस करता है बहुत एडवांस स्टेज तक। ग्लॉकोमा में कई बार आंख में दर्द, स्ट्रेस, पेन, जो हमारी रोशनी है बल्ब की रोशनी, उसके आसपास गोले, सतरंगी गोले दिख सकते हैं, रेनबो हेलोस दिख सकते हैं आपको, वो एक कॉमन सिम्टम होता है। एडवांस स्टेजेस में आपकी फील्ड रिस्ट्रिक्शन की वजह से टम्बलिंग हो सकती है, रात के अंधेरे में चलने में दिक्कत हो सकती है, ड्राइविंग में दिक्कत हो सकती है, और मरीज टकराते बहुत हैं चीज़ों से काला मोतियाबिंद के केस में। लेकिन काला मोतियाबिंद में बीच की रोशनी काफ़ी लेट तक नॉर्मल रहती है, इतनी अफेक्ट नहीं होती है, एडवांस स्टेजेस में जाकर ही बीच की रोशनी में फ़र्क आने लगता है। और खतरनाक कौन सी है इनसे ज़्यादा? डेफिनेटली काला मोतियाबिंद ज़्यादा खतरनाक होती है। काला मोतियाबिंद इसलिए ज़्यादा खतरनाक होता है क्योंकि इसका डैमेज जो है नसों में आता है और परमानेंट डैमेज होता है। जब आंख का प्रेशर बढ़ता है, नस को कुछ ना कुछ डैमेज देता है वो, और उस वजह से वो रिवर्सिबल नहीं होता है। वो ऐसा नहीं है कि हम ऑपरेशन से, दवाइयों से प्रेशर नॉर्मल ले आएँ तो जो हमारा नुकसान जा चुका नस में वो वापस नहीं आता है, हम सिर्फ उसको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। सफ़ेद मोतियाबिंद में अगर सब कुछ पीछे ठीक है, रेटना में सब ठीक है, तो मोतियाबिंद निकाल के नया लेंस फिट करके आपकी रोशनी लगभग से पूरी आ जाती है। तो सफ़ेद मोतियाबिंद इज़ नॉट दैट डेंजरस, कोई इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, काला मोतियाबिंद ज़रूरी है टाइम पे डायग्नोस होना और टाइम पे ट्रीट होना। काला मोतियाबिंद में दो तरह के काला मोतियाबिंद होते हैं, ओपन एंगल एंड क्लोज एंगल। जो ओपन एंगल होता है वो ज़्यादा कॉमनली हम देखते हैं, जिसमें आंख का प्रेशर बढ़ रहा है लेकिन आगे की स्पेसिंग कम नहीं है, जिसकी वजह से हम आई ड्रॉप से प्रेशर को कंट्रोल में रखते हैं। जैसे आप बीपी की दवाई खाते हैं बीपी कंट्रोल रखने के लिए, ऐसे आंख की भी आई ड्रॉप्स होती हैं। वो आई ड्रॉप जिंदगी भर चलती रहती हैं, बीच बीच में चेकअप्स चलते रहते हैं कि दैट इज सफिशियंट और नॉट फॉर दी आई, उसको कंट्रोल रखने के लिए जो आपका प्रेशर चल रहा है। द सेकेंड टाइप इज एंगल क्लोजर ग्लॉकोमा, जिसमें आगे आपकी आंख का जो एरिया होता है, लेंस के आगे वाला एरिया जहाँ से आंख का पानी बाहर निकलता है, वहाँ पे क्राउडिंग हो जाती है, वहाँ पे नैरोइंग हो जाती है, जिसकी वजह से पानी निकलना मुश्किल हो जाता है। नाउ इफ दिस काइंड ऑफ एन आई इज डिटेक्टेड अर्ली, तो कई बार हम लेजर करके वो रास्ता खोल देते हैं। लेकिन कुछ लोगों में, इनफैक्ट ज़्यादातर लोगों में, सिर्फ लेजर कामयाब नहीं रहता है एंड इवेंचुअली सर्जरी माइट बी रिक्वायर्ड। काला मोतियाबिंद की सर्जरी बहुत स्पेसिफिक केसेस में की जाती है, एडवांस केसेस में, या जिनसे आई ड्रॉप्स टॉलरेट नहीं हो रही है या आई ड्रॉप काम नहीं कर रही है उनमें की जाती है, वरना काफ़ी केसेस आई ड्रॉप से मैनेज किए जाते हैं। क्या एक से दूसरा लिंक्ड है? ऐसे तो ये दोनों काफ़ी इंडिपेंडेंट तकलीफें हैं, एक अलग आँख के अलग अलग हिस्से की तकलीफ है। लेकिन सफ़ेद मोतियाबिंद जब बहुत ज़्यादा पक जाता है, इतना ज़्यादा कि उसमें पानी भरने लग जाए, तो इट कैन लीड टू काला मोतियाबिंद या आँख का प्रेशर बढ़ना। वो काला मोतियाबिंद जो बन रहा है उसका इलाज मोतियाबिंद का ऑपरेशन ही है, सफ़ेद मोतियाबिंद का ऑपरेशन ही है, क्योंकि लेंस ज़्यादा फूल जाएगा या किसी वजह से लेंस ज़्यादा पक जाएगा तो आँख का प्रेशर बढ़ता है। जब हम लेंस निकाल देते हैं तो आँख का प्रेशर वापस से नॉर्मल आ जाता है। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्लॉकोमा। कुछ तरह के काला मोतियाबिंद और तकलीफ़ों से भी होते हैं,
यूवियाइटिस से आंख में जब सूजन बनती है या चोट लगने के बाद भी देखा गया है, इन सबको हम सेकेंडरी ग्लॉकोमास बोलते हैं। मतलब ये कि किसी और कारण से आंख का प्रेशर बढ़ा और काला मोतियाबिंद बन गया। अगेन सफेद मोतियाबिंद आपको जल्दी पकड़ में आ जाएगा, जल्दी पता चल जाएगा। काला मोतियाबिंद सिर्फ और सिर्फ रूटीन टेस्टिंग में ज्यादातर पता चलता है क्योंकि बहुत ज्यादा सिम्टम नहीं होते हैं। इसलिए अगर आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री है काला मोतियाबिंद की या वैसे भी 40 के बाद, कोशिश करके हर साल अपनी आंख चेक करवाएं ताकि कोई भी तकलीफ हो तो पकड़ में आ जाए और टाइमली ट्रीट हो जाए। और सवाल अगर आपको हो तो जरूर मैसेज करें।